हेलो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने देखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आया था ऐसा ही लगा था ना कि सर ये तो बहुत आसान है इसमें तो बता के आ रहे हो सर हां बिल्कुल आसान ही चीज ठीक है यूक्लिड डिवीजन लेमा वही था जो बचपन में हमने डिवीजन सीखा था कोई दो नंबर्स ले लो से ले लो फोर्टी सेवन को यदि फोर से डिवाइड करना है फोर वन सा फोर फिर सेवन नीचे आ जाएगा फोर वन सा फोर रिमाइंडर थ्री तो हम लोग क्या कर सकते हैं फोर्टी सेवन इज इक्वल टू फोर इन टू क्वेश्चन आया क्या आया क्वेश्चन हमारा इलेवन प्लस रिमाइंडर कितना आया थ्री किसी भी दो नंबर को यदि डिवाइड करेंगे तो हमें एक क्वेश्चन मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा है ना वही यूक्लच डिविजन लेमा वही है ए बी ए को यदि बी से हम लोग डिवाइड करें तो हमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा क्वेश्चन को हम लोग क्यू लिख देते हैं प्लस एक रिमाइंडर मिल जाएगा आर हाँ। और क्या क्वेश्चन कॉमा रिमाइंडर दोनों जीरो होंगे या जीरो से बड़े होंगे जीरो से छोटा तो नहीं हो सकता है और ये रिमाइंडर जो है यह बी से छोटा होगा हमेशा डिविडेंड से छोटा होगा <स्थाँगा> रिमाइंडर जो है बी से छोटा होगा इसी को छोटे तरीके से इस तरह से लिख देते हैं हम लोग क्या जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर आर इज लेस देन बी है ना जीरो या तो आर से छोटा होगा या बराबर हो सकता है एंड आर जो है हर हाल में बी से तो छोटा ही छोटा होगा यही था यूक्लिड डिवीजन लेमा गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड देखो पॉजिटिव इंटीजर्स है अब नेगेटिव लेके कंफ्यूज मत करना नेगेटिव और जीरो लेके कंफ्यूज नहीं करना जीरो से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं सबको पता है और नेगेटिव नंबर्स को नहीं लेना है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर लेना है देयर एग्जिस्ट यूनिक ये यूनिक इंपॉर्टेंट है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R दो इंटीजर्स हमें मिलेंगे Q और R ये दोनों भी इंटीजर्स होंगे विच सेटिस्फाइड रिलेशन या ए इज इक्वल टू बी टाइम्स क्यू प्लस आर एंड आर के ऊपर कंडीशन क्या है जीरो स्लेश टेन आर स्लेश टेन बी ठीक है अब बोलोगे सर ये क्यों सिखा रहे थे सर इसको इसलिए सिखा रहे थे टेक्स्ट बुक में यह इसलिए दिया है कि इससे हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से मिलता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा से हमें क्या मिल जाता है एल्गोरिथम और ये क्या होता है एक टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ इस प्रोसेस से हम लोग निकाल सकते हैं क्या प्रोसेस है दो नंबर्स हमारे पास हैं 45 और 42 इसका एचसीएफ निकालना था होता तो कैसे निकालते ऐसे कहते थे ना 455 एंड 42 फिर इसको डिवाइड करेंगे चेक करना है टू से नहीं होगा थ्री से नहीं होगा फोर से करना नहीं है फाइव से नहीं होगा सिक्स से नहीं होगा सेवन से हो सकता है क्या सेवन से हो सकता है डिवाइड सेवन सिक्स ऑफ फोर्टी टू थर्टी फाइव फाइव कॉमा सिक्स ठीक है अब ये किससे डिवाइड होगा नहीं होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा तो हमारा एच क्या हुआ सेवन हम लोग इस तरीके से एच निकालना बचपन में सीख चुके हैं वहीं अगर बड़ा सा नंबर होता फोर फाइव फाइव जीरो सेवन एंड फोर टू सेवन जीरो वन इस तरह का नंबर होता तो क्या करते तो क्या करते तो फर्स्ट जाते हैं यहां पे आके है ना बहुत मेहनत का काम होता है इस दोनों का एच निकालना होगा बहुत मेहनत का काम है बहुत मेहनत का काम है इसी काम को आसान करने के लिए यूक्लिड ने हमें दे दिया था यूकलिश डिवीजन एल्गोरिथम इस एल्गोरिथम से हम लोग एच निकाल सकते हैं किसी भी दो नंबर का बिना किसी परेशानी के पहले दो एक नंबर्स जो हमारे पास है फोर फिफ्टी फाइव एंड फोर्टी टू इसको लेकर के पहले एल्गोरिथम को हम लोग देख लेते हैं से, हम लोग के पास फोर जो नंबर है इसको यदि फोर्टी टू से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा फोर फिफ्टी फाइव को अगर फोर्टी टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा क्वेश्चन टू थर्टी फाइव बस फोर्टी टू से छोटा रिमाइंडर मिल चुका है हम लोग को है ना यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा जीरो और थर्टी फाइव हमें रिमाइंडर मिल चुका है तो क्या हुआ हमारा फोर्टी टू इंटू

और यह रिमाइंडर है इस दोनों नंबर्स के ऊपर सेम प्रोसेस लगा देना है क्या लिखेंगे 42 को डिवाइड करना है किससे 35 से इनटू वन होगा वन से ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है इनटू वन प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा 7 ठीक है फिर से फिर से हमारा ये जो दूसरा नंबर था और यह रिमाइंडर जो था इसके ऊपर सेम प्रोसेस लगा देना है। क्या आएगा थर्टी फाइव इज इक्वल टू सेवन इंटू क्या होगा 5 प्लस जीरो। जैसे ही यहाँ पे जीरो आएगा जैसे ही यहाँ पे जीरो आएगा हम लोग अब आगे डिवाइड तो कर नहीं सकते जीरो आता है जैसे ही डिवीजन में काम खत्म रोक दो रोक देना है तो इसके आगे नहीं बढ़ है यहां तक में काम कंप्लीट हो गया हम लोग का क्या निकला एच सी एफ एच सी एफ क्या होगा सेवन ये रहा सेवन ये जो लास्ट में नंबर बचा रहेगा छोटा वाला नंबर यही हम लोग का एच सी एफ होगा ठीक है लास्ट में जो नंबर बचा रहेगा यही एच सी एफ होगा यहां इस प्रोसेस में भी हम लोग को ये एच सी एफ मिला था सेवन सेम एच सी एफ मिला था ना सेवन यहां से भी सेम मिल गया तो यहाँ पे हमने काफ़ी देर तक सोचा था इसको टू से डिवाइड करना है थ्री से डिवाइड करना है फोर से करना है फाइव से करना है सिक्स से करना है फिर सेवन से करने पे आए थे हम लोग यहाँ पे कुछ सोचना पड़ा कुछ नहीं सोचना पड़ा सीधा सीधा दो नंबर्स थे उसको डिवाइड करते गए थे करते गए थे करते गए थे एक बार फिर से देखो इस प्रोसेस को एस मिला ना आसानी से मिला फिर से इस प्रोसेस को देखो मैं इसको फिर से रेज कर देता हूँ जो बड़ा वाला नंबर है हमारे पास फोर फिफ्टी फाइव फोर फिफ्टी फाइव इसको डिवाइड करना है छोटे वाले नंबर से किससे 42 टू से 42 टू इंटू क्वेश्चन कुछ आएगा क्वेश्चन क्या आएगा टेन आएगा जो कि यहां पे लिखा हुआ हमने डिवाइड करके यहां रख रखा है 42 टू इंटू टेन प्लस रिमाइंडर कितना आएगा वो भी यहां रख रखा है हमने 35 ठीक है यह करने के बाद ये जो छोटा नंबर है यहां पे ये नंबर और रिमाइंडर इन दोनों के ऊपर सेम प्रोसेस को फिर से लगा देना क्या होगा फोर्टी टू इज इक्वल टू थर्टी फाइव दूसरा नंबर हमारा थर्टी फाइव है इन टू क्या होगा वन प्लस रिमाइंडर सेवन सॉरी इसको रेड से लिखना था हमें इंटू वन प्लस सेवन और फिर से इस प्रोसेस को लगाना है हमें 35 और 7 के ऊपर तो 35 फाइव इज इक्वल टू सेवन इन क्या आएगा 5 प्लस जीरो जब जीरो आ गया तो प्रोसेस को स्टॉप कर देना हमारा एच सी एफ यहां पर मिल चुका होगा क्या था हमारा एच सी एफ सेवन देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है स्टेप्स क्लियर क्लियर कट स्टेप्स दिए हुए हैं ऐसा 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 करना है रिमाइंडर क्वेश्चन हमें मिल जाएगा सॉरी एच सी एफ हमें मिल जाएगा ये जो पहले वाला प्रोसेस था जो हमने बचपन में सीखा था पुराना वाला जो प्रोसेस था इसमें सोचना पड़ता था फर्स्ट स्टेप में सोचना होगा किस नंबर से डिवाइड किया जाए किस नंबर से डिवाइड किया जाए डिवाइड सही हो रहा है या नहीं हो रहा है ना लेकिन इस मेथड में कुछ भी नहीं सोचना है कुछ नहीं सोचना है सीधा सीधा तुम चलते जाओ स्टेप्स दिए हुए हैं इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ आंसर मिल जाएगा ठीक है तो जब इस तरह के स्टेप्स अगर मेंशन कर दिए जाए क्लियर कट बता दिया जाए ऐसा ऐसा करना है ऐसा कोई प्रोसेस है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं एल्गोरिथम यूक्स डिवीजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम का मीनिंग है यह एल्गोरिथम का क्या मीनिंग है

अल ख्वाजमी अल ख्वाजमी ठीक है ये सब कुछ लिखा है और लेमा लेमा भी हम लोग देख चुके हैं लेमा क्या था? थ्योरम का छोटा भाई प्रूव एन स्टेटमेंट स्टेटमेंट थ्योरम क्या होता है प्रूव एन स्टेटमेंट लेमा क्या है प्रूवन स्टेटमेंट तो थ्योरम थोड़ा सा बड़ा वाला होता है मेजर रिजल्ट होता है लेमा छोटा सा रिजल्ट होता है ठीक है एल्गोरिथम वर्ड की मीनिंग क्लियर है यूक्लिड का एल्गोरिथम क्या था क्लियर है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या था एच निकालने का एक प्रोसेस था जो हम लोग अब सीख चुके हैं क्या था अब इस एल्गोरिथम को फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार यूक्लिच डिवीजन एल्गोरिथम तीन स्टेप का प्रोसेस था तीन स्टेप थे ना पहला स्टेप था अप्लाई यूक्लिच डिवीजन लेमा टू सी एंड डी दो नंबर्स यदि हमारे पास हैं सी एंड डी सी एंड डी दो नंबर्स यदि C सी D जिनका एच हमें निकालना है तो इसके ऊपर क्या लगा देना है लेमा लगा देना है और उसको लगा के क्या मिलेगा दो नंबर्स मिलेंगे Q एंड R और कंडीशन हमें पता है Q एंड R की क्या होगी सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी टाइम्स क्यू मल्टीप्लस आर ठीक है अब सी कौन सा लेना है डी कौन सा लेना है ये कंफ्यूजन हो सकता है क्या जो बड़ा नंबर होगा उसको सी बोलना है जो छोटा नंबर होगा उसको डी बोलना है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो बड़ा नंबर है उसको सी बोलना है छोटे नंबर को डी बोलना है और डिवाइड कर देना है डिवाइड करने के बाद हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर मिल जाएगा यदि रिमाइंडर जीरो है इफ आर इज इक्वल टू जीरो स्टेप टू में हम लोग आ चुके हैं अब

रिमाइंडर जब तक जीरो ना आ जाए तब तक इस प्रोसेस को लगाते जाना है यूकल्स डिविजन लेमा को लगाते जाना है और जब भी रिमाइंडर जीरो होगा द डिवाइसर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वाच सी एफ सिंपल है सिंपल है समझ गए ना ये सब रटने की जरूरत नहीं है ये सब किताब में लिखा होता है इसलिए मुझे बताना भी होता है लेकिन मेनली तुम लोग को सीखना है प्रोसेस डिवाइड करके एल्गोरिथम अप्लाई करके रिमाइंडर एच सी एफ कैसे निकालना है इस प्रोसेस को सीखना है चलो एक और एग्जाम्पल बना के देखते हैं इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेके यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड दी एचसीएफ ऑफ़ एफ फोर जीरो फाइव टू एंड वन टू फाइव सेवन सिक्स ठीक है क्या करना है किसको किससे डिवाइड करना है बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना है वन इसको छोटे नंबर से डिवाइड करना है फोर डिवाइड कर दो थ्री टाइम्स में तो नहीं होगा ना नहीं होगा टू टाइम्स फोर वन जीरो एट थ्री फाइव वन ओ oh, तीन बार में होगा रफ वर्क जब भी करना एग्जाम में यही बगल में करना ताकि अगर कोई भी गलती हो बाद में कुछ भी अगर चेक करना हो तो सामने में दिख जाए तुम्हें भी दिख जाए और एग्जामिनर को भी दिख जाए थ्री टाइम्स में होगा सिक्स फाइव से या फिफ्टीन वन कैरी सिक्स फाइव थ्री जब फिफ्टीन वन कैरी वन एंड ट्वेल्थ जीरो टू फोर ठीक है तो क्या आया वन टू फाइव सेवन सिक्स इज इक्वल टू फोर जीरो फाइव टू इन टू मैं रेड में लिखता हूं तुम लोग को रेड में लिखने की जरूरत नहीं है मैं रेड में लिखता हूं ताकि दिख जाए तुम लोग को आराम से प्लस फोर ट्वेंटी ठीक है एक क्वेश्चन मिल गया एक रिमाइंडर मिल गया अब हमें यह प्रोसेस किसके ऊपर लगाना है इस नंबर के ऊपर एंड इस नंबर के ऊपर लगा दो फोर जीरो टू फोर ट्वेंटी इन टू क्या होगा डिवाइड करके फिर से देख लो फोर जीरो फाइव टू फोर ट्वेंटी नाइन जीरो एटीन थ्री कैरी थर्टी सिक्स एंड थ्री थर्टी नाइन टू फाइव सेवन और इधर तो जीरो हो गया क्या आया फोर ट्वेंटी इंटू नाइन प्लस सेवेंटी टू ठीक है ठीक आ रहा है क्या कुछ गलत लग रहा है मुझे जीरो नाइन टू एटीन वन कैरी हाँ गलत हो रहा है ना डिवाइड गलत हो रहा है देख लो इस तरह की गलतियां तुम लोग मत करना जीरो नाइन टू जाए कैरी नाइन फोर सा थर्टी सिक्स एन वन थर्टी सेवन टू सेवन टू टू फाइव सेवन टू नाइन वन टेन ठीक है तो हमें क्या मिलता है फोर ट्वेंटी इंटू नाइन प्लस टू सेवेंटी टू अब क्या करना है अब प्रोसेस को अप्लाई करना है फोर ट्वेंटी और टू सेवेंटी टू के ऊपर क्या होगा फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी इज इक्वल टू टू सेवेंटी टू इन टू वन प्लस क्या होगा सॉरी रेड पेन वन प्लस एट एट ग्यारह इलेवन में सेवन गया फोर वन फोर्टी एट ठीक है फिर से अब हम लोग को प्रोसेस अप्लाई कर देना है 272 और 148 के ऊपर तो लगा दो 272 सेवेंटी टू इज इक्वल टू वन फोर्टी एट वन प्लस ट्वेल्व एट फोर सिक्स में से फोर गया टू वन ट्वेंटी फोर ओके अब प्रोसेस फिर से लगना है किसके ऊपर 148 और 124 के ऊपर 148 फोर्टी एट इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फोर इन टू वन प्लस ट्वेंटी ठीक है फिर से प्रोसेस लगना है 124 और इस 124 और 24 के ऊपर क्या आएगा 124 ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर इंटू फाइव सॉरी रेड पेन इंटू 4. प्लस और फिर से लास्ट में प्रोसेस लगा देंगे 24 और 4 के ऊपर तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 24 फोर इज इक्वल टू फोर इंटू सिक्स प्लस जीरो ठीक है जीरो जैसे ही आया हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और हमारा आंसर क्या है फोर एच सी एफ हमें क्या मिल गया फोर प्रोसेस निकालने लगाने से हमें एच सी एफ सीधा सीधा मिल जाता है ओके okay. ओके okay. चलो आगे अगले वीडियो में हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे ओके थैंक यू